मुश्किलों में घिरी समाज सेविका शबनम शेख हमारे साथ मौजूद है, जिस पर कई आरोप लगे हैं। किस तरह से वो अपने आरोपों को खारिज करती है और उन पर जवाब देती है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। शबनम शेख जी हमारे साथ मौजूद है। शबनम जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? कई आरोप लगे हैं आप पर, एक्सटॉर्शनिस्ट बता दिया गया है आपको, बहुत बड़ा क्रिमिनल बताया गया है आपको, एक्चुअल मामला क्या है? भाई ऐसा है कि पहली बात तो मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। मैंने दुनिया से और हिंदुस्तान से स्पेशली क्राइम को मिटाने का संघर्ष शुरू किया हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने क्राइम को दूर करना शुरू किया है। 14 सालों में मैंने जितने डोमेस्टिक वायलेंस के केस लड़े हैं, मोर देन 11,600 केसेस एज पर माई नॉलेज, इससे ज्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते हैं। इतने केसेस को मैंने सेटल किया है और इसको क्राइम में कन्वर्ट नहीं होने दिया है। और नशा मुक्ति केंद्र के जितने भी हमने जितने 9,000 के आसपास पेशेंट्स को हमने क्योर किया है, उनमें से किसी ने रिपीट किया होगा, बट एटलीस्ट इन माय नॉलेज 6,000 पेशेंट जो हैं जिन्होंने रिपीट नहीं किया है अल्कोहलिज्म या ड्रग्स को। तो ये सब कुछ मैंने समाज सेविका बन के ही किया है। कोई मेरे बाप के घर से जागीर नहीं लेकर आई हूँ कि मैंने इनको ठीक किया है, मैंने इनके लिए काम किया है, ये मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया है, ठीक है। और जहां तक बात है कि मैं घिरी हुई हूँ मुश्किलों में, ये तो षड्यंत्र है, सिर्फ मेरे इलेक्शन में ना खड़े होने की एक साजिश है कि मैं नहीं खड़ी हूँ। और क्योंकि मैं सबसे बड़ा धोखा और सबसे बड़ा खतरा थी राजनीतिक लोगों के लिए, भाजपा के लिए स्पेशली, और मैं ये भी कहना चाहूंगी शायद हो सकता है कि कांग्रेस के लिए भी खतरा होती, क्योंकि मैं खड़ी होती तो वन साइड में जीत कर आती, ये सबको पता था। तो ये हिंदुस्तान में होने वाला पहला ही इलेक्शन या आखिरी इलेक्शन ऐसा कुछ नहीं है, फिर से इलेक्शन आएंगे किसी ना किसी तरीके से। मैं अनाउंसमेंट तो नहीं करूंगी अब दोबारा जिंदगी में, बट यस, मार्क माय वर्ड्स, आई विल स्टैंड। अच्छा, आपने कई सामाजिक काम किए हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन जो आपका अंदाज है वो लोगों को तकलीफ देता है। जिस अंदाज में आप लोगों को इंसाफ दिलाती है, आप लाइव आते हैं, लोगों को मारपीट करते हैं। मैं रावड़ी हूँ, रावड़ी ही रहूंगी, बाहुबली स्टाइल से मैं लड़ती हूँ, बाहुबली ही रहूंगी। अब क्या करूँ, हस्बैंड भी चुना है तो बाहुबली ही चुना है। पूरे हिंदुस्तान में मुझे पटाने वाला एक भी लड़का नहीं मिला, सोचो। मैं जिसका रिश्ता मैंने एक्सेप्ट किया वो भी मुजफ्फरपुर बिहार वाला, एक बिहारी पटाल के लेके जा रहा है मुंबई की दबंग शबनम शेख को, जिसको आज लोग बाहुबली बुलाने लगे हैं मेरी वो फाइट के बाद से, 150 औरतों को मारने के बाद से। ऐसा लग रहा था बाहुबली की पार्ट 3 की शूटिंग चालू है अंदर। आप अगर उस वक्त मुझे देखते तो आप मुझे यही बोलते, आपा ये तो बाहुबली पार्ट 3 की शूटिंग चालू थी। 150 औरतों को मारना, मेरी ये बेटी को अरेस्ट किया गया था, जिसको इन्होंने जेल में रखा था। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने भूख हड़ताल करके रखी थी, जब तक मुझे सेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा मैं खाऊंगी नहीं। जब इसको अंदर किया गया, इसको दूसरे बराक में रखा गया, मैंने गुस्से में टीवी वगैरह सब तोड़ दिया था, कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि 150 औरतों ने, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, लोग मुझसे मिलने तरसते हैं। मेरी इस बच्ची को जब अंदर लाया गया ना, तब मैंने खाना खाया कि वो लोगों ने कहा कि अगर मैडम खाना खाओगे तो हम इससे मिलाएंगे, इसको मुझसे अलग रखा गया था, सिर्फ इस बच्ची के लिए मैंने खाना खाया कि मैं इससे मिल पाऊं। आप इससे पूछ सकते हैं कि जब मैं इससे मिली तो मैं कितना रो रही थी कि मैं इससे मिल पाई। संजना बोल बेटा। उनकी हालत काफी खराब थी और अंदर मैंने भी वही, मेरे को भी नहीं मिलने दिया था, किसी को मिलने नहीं दिया था। और उनके ऊपर जो अटैक हुआ था 150 औरतों ने, मतलब पूरे बैरिक की औरतों ने मिलके उनके ऊपर अटैक किया, उनको पता नहीं किस तरह से टिटकिया अंदर, लेकिन उन्होंने फिर भी वहां पे भी अंदर भी सब औरतों से लड़के। और आज फिर से लोगों ने तो ये प्लान कर लिया था कि उनको कभी बाहर नहीं आने देंगे, वो एक केस खत्म होगा तो दूसरे केस डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ना जाने क्या क्या सोचा था। लेकिन कहते हैं ना, जिसके साथ में भगवान होता है उसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कहते हैं ना, जाकर आके साइयां मार सके ना कौन कोई, बस वही है। शर्मा बाबा, आपने कहा कि 150 लोगों ने आप पर हमला किया था, मुश्किल है, पॉसिबल है 150 लोग हमला करने के बाद वो व्यक्ति जीवित रह जाए? भाई मेरे बदन पे इतने निशान है ना अभी भी, मैं प्रूफ कर सकती हूँ। और तुम्हारी बहन का हाथ देख लो, देखो आज भी पत्थर है। 10 साल हो गए जिम का मुंह नहीं देखा है, लेकिन मेरे एक फाइट से मुंह और नाक दोनों फूटता है, इतनी अल्लाह ने ताकत दी है। और जो आवाज हक के लिए उठती है ना, अल्लाह की राह में आप क्या कहते हैं, तिलावत करने की बहुत तरीके हैं,
मैंने 3 ही रोजे रखे अभी, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, अब मैं रोजे नहीं रख पा रही हूँ। तो अल्लाह के अगेंस्ट में जाके कोई चीज मैं नहीं कर सकती हूँ। मेरे इबादत के तरीके बहुत थे, मैंने इतनी लड़कियों की शादी कराए, इतने स्टूडेंट्स की फीस भरती हूँ मैं, इतने गरीब घर चलाती हूँ मैं, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जब रोजा थी, तीसरे दिन तीसरा रोजा था, मैं एक खजूर और पानी खा के उठी और पानी पीकर मैं उठी और मैं रोने लगी। मेरे सारे बच्चों ने इफ्तारी पे रुक गए कि मैं रो थी। मैंने जानमाज बिछाया मुसल्ला और मैं नमाज के लिए खड़ी हो गई। मैंने पूरी नमाज रोते रोते पढ़ी कि मैंने अभी तक का जो मेरा फर्स्ट स्टेप होता है रमजान से पहले, जानमाज तस्बीह और आयतल यार सूरह यासीन बांटना सबको, पूरे खानदान में, गरीबों में और रिश्तेदारों के वहाँ, दोस्तों के वहाँ, ये बटा नहीं है, ये सबसे पहले रमजान की चांद रात को बटता है कि कोई भी उसमें नमाज पढ़े, तस्बीह पढ़े, तो वो बाकायदा वो दुआएं मेरे हक में भी आती हैं। तो वो काम मैंने कल किया, इतना लेट हुआ पहली बार, वो कल किया मैंने, कल कर दिया, तो थोड़ा सा मुझे इत्मीनान और सुकून मिला। मैं मर भी जाऊं भाई, मेरे जैसी मैं 100 शबनम शेख बना के खड़ा करके मरूंगी, उससे पहले नहीं मरूंगी मैं। अच्छा, इसे 2 महीने पहले जो इंसिडेंट हुआ था उसको किस तरह से आप याद करती है, और अगर वो 2 महीने की पूरी दास्ता अगर 2 मिनट में आप किस तरह से सुना पाएंगे? भाई ये 2 महीने में मैं पूना में रही, मैं लोनावला में रही और मैं दिल्ली में रही, उसके बाद में मैंने यहाँ खारगर में फ्लैट ले लिया और ये इस बैंड्रा में मेरा अपना घर है डाइगो में, वो इंशाल्लाह मुझे जल्द से जल्द मिल जाएगा। कोर्ट मेरे हक में ही फैसला सुनाने वाला है बिकॉज लीगली आई एम ओनर फॉर दैट, और मैं फिर बैंड्रा में ही रहूंगी, ये फ्लैट भी रखूंगी, मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं हफ्ते में 3 दिन खारगर में बैठूंगी तो 3 दिन बैंड्रा में बैठूंगी, ये मैंने सोच लिया है। एंड संडे इज ऑलवेज हॉलीडे फॉर अस, और किसी के बोलने से अगर सब कुछ होता तो हर इंसान बोलता यार, और उसके बोलने से सब कुछ तामील हो जाती, सब यकीनन सच हो जाता तो इंसान बोलता ही था। और इसको पूछो, जेल में मेरी जो हालत थी शायद वो मरने की कंडीशन थी, मैं नहीं बचती, मैंने मेरे हाथ का वेनफ्लो खोल दिया था और चादर ओढ़ ली थी कि बस अल्लाह आप मुझे मौत दे देना, मेरे बदन से पूरा खून बह जाए। वो तो मेरा पूरा बेडशीट रेड हो गया और खून जो है मेरे सर के पास से लगी थी, सिर पे चोट लगी थी, काफी चोट लगी थी यहाँ पे, न जाने कहाँ कहाँ चोट लगी थी। और उसके बाद वहाँ पे एक कांस्टेबल थी, उसने भी मेरे को सब कुछ बताया था, क्योंकि मुझे ले जाने से पहले इनको दूसरे बैरिक में शिफ्ट कर दिया गया था। तो उसमें मुझे एक कांस्टेबल ने बताया था कि तुम्हारी मोम बाहर इस तरह से थी, उनको ये उनके ऊपर अटैक हुआ, ये हुआ वो हुआ, काफी सेल में डाल दिया गया था, तब उनको वहाँ पे ले जाके डाल दिया गया था। और अंदर मैंने एक चीज सबसे जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, अंदर ऐसे काफी लोग हैं जो बेगुनाह हैं, गुनेगार हैं वो तो समझ में आता है, लेकिन जो काफी लोग ऐसे हैं अंदर जो बिना कुछ किए बिना कुछ करे ऐसे सजा काट रहे हैं और उनकी लाइफ सिर्फ जेल में खत्म हो रही है। तो मैं सर सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे कि वो बस जो भी बेगुनाह है उनके ऊपर पहले सबसे अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करें और फिर उनके ऊपर फैसला सुनाए और उनको रिहा करें, जो भी बेगुनाह है उनको। मैं गालियां देने की वजह ये है पुलिस वालों को कि पुलिस वाले चंद पैसों के लिए किसी को भी अपने हाथ में कलम है या पेपर ये लिखते हैं, लिखकर डाल देते हैं। 323 के सेक्शन में यानी थप्पड़ मारने के सेक्शन में औरतें 5-5, 6-6 दिन अंदर हैं। क्यों भाई, वो तो टेबल जामिन वाला है, एनसी का सेक्शन है 323, तो इसमें कैसा अपरिश कर रहे हो? और लड़की को इतनी बुरी तरह मारा गया और जेंट्स ऑफिसर ने मारा है, मतलब कौन सा सेक्शन, कौन सी कानून की कायदा के आप उल्लंघन कर रहे हो बींग एन ऑफिसर? तो जब वो कंडीशन की औरतें मेरे पास में आके हक मांगेंगी तो मैं पुलिस वालों को छोड़ूंगी कैसे? वर्दी आपने पहनी है तो आपको अपनी वर्दी की कदर मालूम है, आपने कसम खाई है ना, कानून की कसम खा के आप कानून में आए हो। तो क्या किसी एक औरत के लिए या एक लड़की के लिए या एक पर्टिकुलर केस के लिए 10-20 हजार रुपए कमाने के लिए आप कुछ भी करते हो, कानून को भूल जाते हो? मैं गालियां देना बंद कर दूंगी, मैं छोड़ दूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। आप मत करो ना गलती, आप गलती करना छोड़ दो तो मैं बोलना छोड़ दूंगी, मुझे बोलने की क्या जरूरत है? आपने लिख के दिया है कि आई एम फाइनेंशियली सो इन्फ्लुएंस्ड, दाऊद इब्राहिम से बड़ी हूं मैं, बोलते हैं क्यों? दाऊद और मैं के गिल्ली डंडा खेलते थे कि गोटी खेलते थे साथ में? व्हाट इज इट, व्हाट डज इट मीन कि मेरे वजह से मुंबई में हिंदू मुसलमान की राइट्स होगी? ऐसा लगता है आपको?
जहाँ कोई झगड़े होते हैं तो सबसे पहले मैं पहुंचती हूँ झगड़े मिटाने के लिए। आपने तो लिख के डाल दिया कोर्ट में कि मैंने 150 लोगों को मारा, एक टीवी तोड़ा, मैंने ऐसा किया, मैंने वो सलाखों को ऐसा किया। अरे व्हाट इज दिस, वो सलाखे तो मेरे से बैंड हुई नहीं थी, आपने लिख दिया कि मैंने वो बैंड भी कर दिया। मैं क्या बहुबली हूँ? अरे बहुबली मेरा होने वाला हस्बैंड है, मैं नहीं हूँ। फिलहाल 2 महीने का जो प्रोसीजर था वो तो लगभग खत्म हो चुका है, 3 महीने का चार्जशीट दाखिल करना है, उनकी तरफ से जो कार्रवाई करनी थी वो उन लोगों ने कर ली है, अब आपकी ओर से क्या प्लान है? वेट एंड वॉच, शेरनी इज बैक। मुंबई कब कदम रखने वाली है? 17 दिन बचे हैं लीगली, अगर ये शराफत में उससे पहले डाल दें तो मैं इनको अच्छा ऑफिसर समझूंगी, नेक समझूंगी, मैं इनको कुछ भी नहीं करूंगी। अगर इन्होंने 90 डेज के बाद डाला अकॉर्डिंग टू द लॉ, मतलब ये चमचे पैसा खा के बैठे हैं और कमीनापन कर रहे हैं। अगर इन्होंने कमीनापन जताया तो फिर तो कुरान मजीद की कसम, इतनी बड़ी कसम खा ली है मैंने, मैं कसम नहीं खाती हूँ, कुरान मजीद का वास्ता मुझे, मेरे को 1 रुपया कमाने का नहीं है, मुझे 1 रुपये की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आते हैं फ्री में काम करके सबका दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा होने वाला हस्बैंड बोलता है कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, हाँ तुम्हारे में सोशलिज्म का कीड़ा है जो तुम कभी नहीं सुधार सकती हो, वो मेरे को बोल दिए हैं, आप जो करना चाह रही हैं आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको करने की ज़रूरत नहीं, आपकी मर्जी है आप कर रही हैं ठीक है, तो फिर मेरे पास कोई दूसरा लक्ष्य नहीं रहता। जो मेरे को बदनाम करने में, मुझे डीमोडिफाई करने में लोगों ने वक्त लगाया, इतना ज़ाया किया वक्त को, तो सिर्फ इनसे बदला लेना ही मेरा काम रह जाएगा। हम मर रहे हैं, तुझे भी ले डूबेंगे। इसके अलावा ये पूरे प्रकरण में जो है एक नाम और सामने आया था, एक पत्रकार है जिससे आप काफी नाराज है, काफी खफा है, पत्रकार ने अपना काम किया था, उसने खबर दिखाई थी जो कहीं ना कहीं आपको उसमें कहीं ना कहीं आपको तकलीफ हुई है, क्या है वो मामला? देखो उसने जो गलत अफवाह फैलवाई, उसने यहाँ तक कानून के सेक्शन को मेंशन करके उसमें सजा 2 साल की, कानून के सेक्शन को मेंशन करके उसमें सजा 5 साल की। अरे गधे, 7 साल के अंदर की सजा में अरेस्ट नहीं होते हैं, ये तो कानून का षड्यंत्र था, भाजपा के साथ मिलके लोगों ने किया और मुझे अरेस्ट किया, जो कि कानून के मुताबिक गलत है। अभी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाना बाकी है, अभी तक तो हाई कोर्ट पहुंची हूं मैं, सेशन कोर्ट से मेरे पेपर्स मूव हो गए, हाई कोर्ट पहुंची हूं मैं, हाई कोर्ट से अभी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली बाकी है, और मेरी ताकत इतनी है मैं जाके दिल्ली में 15 दिन रह के आई हूँ, और क्या सेटिंग करनी थी कैसा करना था सब कुछ करके आई हूँ। 24 मई को जब इलेक्शन के ये काउंटिंग हो के और जो रिजल्ट डिक्लेयर होंगे उसके बाद में आप खुद देख लीजिएगा कौन से ऑफिसर रहेंगे और कौन से जाएंगे, मैं तो खूब खूब मिठाई बांटने वाली हूँ 24 तारीख के बाद में, आप देखिएगा मैं कितनी मिठाई बांटने वाली, पूरे बम्बई मिठाई खाएगा। इसके अलावा जाते जाते आप लोगों से क्या मैसेज देना चाहेंगे, लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? नमस्कार भाई और बहनों, सलाम वालेकुम, जय हिंद, इतना ही कहूंगी, आपकी दुआएं हैं जो मैं आज तक जिंदा हूँ, और आप लोगों का प्यार है जो मुझे मरने नहीं देगा। मेरी अम्मी दिन रात यासीन शरीफ पढ़ती हैं, 5 वक्त नमाजी हैं, उनको मेरी फिक्र बहुत रहती है कि कहीं से कोई गोली आके मुझे ना लग जाए। मैं मेरी मम्मी को ये बोलती हूँ, मम्मा कोई गोली आएगी मैं कैच कर लूँ, टेंशन मत लेना, ठीक है। मेरा पुलिस प्रोटेक्शन हटाया गया, गनमैन जो मेरे साथ में था, अभी यानी कि कानून के अनुशासन को ये लगता है कि मुझे मेरी जान को कोई खतरा नहीं है। तो मैं बता दूं, अगर मेरी जान को कुछ होता है तो मैं उन लोगों के नाम गिना दूं कौन लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे मेरी मौत के। अगर मुझे कुछ भी होता है, कोई गोली लगे, मेरा एक्सीडेंट हो या फिर कोई डिफीट हो जाए मेरे साथ में, पहला बंदा जो होगा DCP दहिया, पूरा नाम क्या, परमजीत सिंह दरिया शायद, सेकंड MLA आशीष शेलार, थर्ड पूनम महाजन, MP पूनम महाजन, फोर्थ सलमान खान, एक्टर सलमान खान, फिफ्थ खबरी मुसेब बेग। ये 5 लोग मेरे साथ में होने वाली हर दुर्घटना, हर इंसिडेंट, हर एक्सीडेंट या फिर किसी भी तरीके से मुझे जहर भी दिया गया तो ये 5 लोग जिम्मेदार हैं। मैं खुलेआम ये बोल रही हूँ कि मैंने उनके खिलाफ कंप्लेन फाइल की है, जो कि CM ऑफिस से लेके DG ऑफिस से लेके CP ऑफिस तक गई है। मेरे साथ में होने वाली सारी दुर्घटनाएं और सारे इंसिडेंट जो है ये 5 लोगों ने मिलके किए हुए हैं, समझे आप। इसमें छठा नाम भी है,
वो है पीआई मोरे, पीआई मोरे, एंड सेवेंथ इज क्या नाम है उसका, एपीआई पांडुरंग लोनकर. ओके, ये लोग हैं. मैं खलील शेख एक मामूली सा पीएसआई है, टू स्टार है, मैं उसके वर्दी पे नहीं जाना चाहती हूँ. उसने सिर्फ वो एक कठपुतली है मेरे सामने खड़ा करने के लिए, क्योंकि एक मुसलमान को देख के शायद मैं ठंडी पड़ जाऊँ, यही सोच के उसको खड़ा किया ऐसा आईओ बना के. इसके अलावा कुछ नहीं. उसने भी काफ़ी गंदी रिपोर्ट बना के पुलिस स्टेशन में भेजी है. मैं इतना बता दूँ, ज़्यादा दिन नहीं है मेरे मुंबई में आने के लिए, 17 दिन बचे लीगली. और क्योंकि रमज़ान का महीना, मैं चाहूँ तो अभी इंटरिम ले सकती हूँ, मुझे इंटरिम मिल जाएगा. मुझे इंटरिम नहीं चाहिए, मुझे परमानेंट इंटरिम चाहिए. जो तुम लोगों ने गलत रिपोर्ट बनाई है, किसी सोशल वर्कर को तुमने सीधा सीधा एक आतंकवादी बनाने के जैसा कर दिया है. तुम लोगों ने मुझे दाऊद से बड़ा बता दिया, इतना इन्फ्लुएंस बता दिया कि दाऊद इज लेसर देन मी. दाऊद मेरे से छोटा है, मैं उससे भी ज़्यादा बड़ा डॉन हूँ, मैं उससे बड़ा गुंडा हूँ. आप समझे बात को? लगता है माइक पकड़ के सामने बैठे हो तो आपको लगता है? भाई बताओ, हद हो गई यार, इतना बड़ा क्रिमिनल बनाना चाहते हो आप मेरे को? अरे भाई, शादी करने की है, सेटल होने का, बस हुआ इतना सोशल वर्क मेरे को. उम्र देखो मेरी, मैं अभी जवान हूँ, 40-50 साल की बुढ़ी नहीं हूँ मैं कि तुम सीधा गैंगस्टर बनाओगे और गैंगस्टर बना के मैं बैठ के खाऊं और कमाऊं. कोई जरूरत नहीं कमाने के धमाने की. बाप दादा का इतना दिया हो, मैंने खुद इतना बनाया, और जो शोहर मैंने पसंद किया वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना बना के रखा है कि मैं बैठ के खाऊं जिंदगी भर. तो ऐसा मत सोचो कि राजनीति में आऊंगी और तुम लोग की तरह बैठ के झोलझाल करूंगी तो कमा सकती हूँ. गलत गलत गलत. राइट इन्फॉर्मेशन रखो हर इंसान के बारे में. चलिए, तो हम आशा करते हैं कि आप जल्द से जल्द मुंबई आए. फिलहाल शबनम शेख अपनी तैयारी में है कि वो मुंबई कदम वापस रखे, और साथ ही साथ उनके समर्थक भी ये चाहते हैं कि वो मुंबई कमबैक करे. लेकिन ये सस्पेंस बरकरार है कि शबनम शेख जो है वो मुंबई कमबैक कब करने वाली है. कैमरा पर्सन साहिल खान के साथ सलामत अली, समय, राष्ट्रीय न्यूज़, मुंबई.